2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई अखिलेश और जयंत चौधरी की दोस्ती बरकरार रहेगी या नहीं, ये सवाल हर किसी के मन में था, लेकिन अब इस पर सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। निकाय चुनाव के दौरान दिखी नाराजगी आम चुनाव आते आते खत्म होती जा रही है। निकाय चुनाव में जहां सपा रालोद कई सीटों पर मुकाबले में आमने सामने थी, वो कड़वाहट शायद अब दूर हो गई है, क्योंकि मिशन 2024 के लिए मैदान में उतरे जयंत चौधरी ने गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। अखिलेश जी तो सब सही चल रहा है, आगे दिखेगा, क्यों नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है और आगे और मजबूती रहेगी, हम कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष, आज हम विपक्ष में हैं और सरकार में कैसे जाएं, यही तो सवाल है। जयंत चौधरी ने न सिर्फ अखिलेश से दोस्ती बरकरार रखने की बात कहते हुए भाजपा के खिलाफ लड़ने की बात कही, बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लेकर भी संकेत दे दिए हैं और कांग्रेस के लिए दिल खोलकर तारीफ की है। तो कांग्रेस विपक्ष का रोल तो अदा कर ही रही है और ये समय ही बताएगा क्या परिस्थिति बनती है, किस तरह के गठजोड़ बनते हैं, कैसे कांग्रेस मुकाबला कर पाती है। जयंत के मुंह से कांग्रेस की तारीफ को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच अब जयंत कर्नाटक की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होने वाले हैं। हालांकि जयंत से पहले अखिलेश यादव भी कांग्रेस को लेकर बड़ा इशारा कर चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के संग्राम में यूपी की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। हाईकोर्ट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत मिली है, उन्हें 23 साल पुराने हत्या के मामले में बरी कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रभात हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत सभी 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अजय मिश्रा और टेनी को, शशि भूषण और पिंकी को, राकेश मामा को और दालू को, सुभाष मामा को, दालू को, चारों को जो है बरी किया गया। वही प्रभात के परिवार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात कही। ये सारे गवाह कहते हैं, मतलब जो विनोद गुप्ता गवाह बदला है उसके बारे में जिला जज ने लिखा है कि उसने धमकाया, अजय मिश्रा के भाई विजय मिश्रा ने धमकाया कि तुम गवाही नहीं दोगे, जब उसके बावजूद उसी आधार पर बरी कर। आपको बता दें कि 23 साल पहले इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। क्या है पूरा मामला? 8 जुलाई 2000 को छात्र नेता प्रभात गुप्ता की हत्या हुई थी। लखीमपुर के बनवीरपुर गाँव में गोली मारकर हत्या की गयी थी। लखीमपुर खीरी के छात्र नेता थे प्रभात गुप्ता। हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी आरोपी थे। 2004 में ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी किया था, जिसके बाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को प्रभात के परिवार और राज्य सरकार ने चुनौती दी थी। अब हाई कोर्ट ने भी सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। वही यूपी में इन दिनों 43 साल पहले हुए दंगों को लेकर सियासी पारा हाई है। योगी सरकार की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के फैसले पर विरोधियों ने जहां सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष ने इसे साहसिक कदम करार दिया है। दरअसल 3 अगस्त 1980 को ईद के मौके पर मुरादाबाद की ईदगाह में हिंसा भड़की और अब 43 साल बाद दंगों की रिपोर्ट को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। भाजपा ने पिछली सरकारों पर रिपोर्ट दबाने का आरोप लगाया है। उसी जो एडीएम रैंक के प्रभारी थे उनको डीएमएसपी के सामने खींच करके क्राउड ने पत्थरों ईंटों से पूंछ करके मार डाला, उन्हें पथराव किया गया, गल शहीद चौकी में आग लगा दी गई, राइफलें लूट ली गई और जो पुलिस के जवान थे उनको उसमें जला दिया गया। रिपोर्ट सार्वजनिक करने के फैसले को लेकर सपा में 2 गुट नजर आ रहे हैं। तुम हिंदू मुस्लिम हमने थोड़ी बनाया, जो कुछ भी झगड़ा किया वो तो उनके लोगों ने किया, बीजेपी के लोगों ने जी, तो आज उसको टेबलाइज करने का क्या मकसद है? देखिए, मैं इस फैसले को सही मानता हूँ। जनता को मालूम होना चाहिए कि 1980 में किस तरह का जुल्म हुआ था। सपा के दोनों मुस्लिम सांसद की अलग अलग राय है, लेकिन बसपा ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। ये बड़े मुर्दों को उखाड़ करके बीजेपी के पास इसके अलावा कोई चीजें नहीं बची हैं। बीजेपी के पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं हिंदू मुसलमान के अलावा। दरअसल योगी सरकार ने दंगे की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने का फैसला लिया था, जिस पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हंगामा शुरू हो गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।